प्रदेश में ठगी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में आप सावधान हो जाइए। अगर आपको आपका कोई भी परिचित किसी भी तरह की समस्या को लेकर फेसबुक पर आपसे रुपयों की डिमांड करता है तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। राजधानी जयपुर में परिचित की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर ठगी के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर एमी चंद ने बताया कि शातिर साइबर ठग अपनी जान पहचान वालों का फोटो लगाकर फर्जी अकाउंट बनाते हैं और उनसे मजबूरी का बहाना मारते हुए ऑनलाइन अपने खातों में रुपए डलवाते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कोई भी परिचित अपनी फेसबुक के माध्यम से रुपए मांगता है तो उसके झांसे में नहीं आए। इस प्रकार आजकल जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू जिन लोगों की फेसबुक प्रोफाइल जो है पब्लिक रहती है, फ्रेंड लिस्ट है या उसकी पर्सनल जो जानकारी है पब्लिक रहती है, उनकी वो क्लोन फेसबुक आईडी बना लेते हैं। फिर उनके जितने भी फ्रेंड लिस्ट में लोग होते हैं उनके पास मैसेज भेज करके पैसे मांगते हैं, कोई मजबूरी बता करके, एक्सीडेंट का बहाना करके या कोई और प्रकार के बहाने बना करके पैसे मांगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इसके लिए लोगों को अपनी फेसबुक प्रोफाइल जो है उसको प्राइवेट रखना चाहिए। टू स्टेप ऑथेंटिकेशन है उसको एक्टिव रखना चाहिए और जो उसके फ्रेंड लिस्ट है उसको प्राइवेट रखना चाहिए, तो उससे बचाव हो सकता है।